हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्चर ट्यूब के बारे में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आने से ये पिक्चर ट्यूब को हम ठीक कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम आने से ये जो पिक्चर ट्यूब है इसको हमें ठीक नहीं कर सकते। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर आज बात करेंगे और आपके लिए एक मैंने पिक्चर डायग्राम भी ड्रॉ किया हूँ जिसके जरिए आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ये रहा वो डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले कुछ पिक्चर ट्यूब के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के जरिए सिखाऊंगा। और उससे भी पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पिक्चर ट्यूब में और कोई भी पुराना टीवी में न्यू किट और न्यू बोर्ड किस तरह से डाला जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो गाइस, बेसिकली पिक्चर ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप दो से तीन चीज़ ठीक कर सकते हो। जैसे कि हो गया ये जो हमारा ईयोक कॉइल लगा हुआ है, अगर ईयोक कॉइल के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाए और आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कुछ फॉल्ट आए इस ईयोक कॉइल के ख़राब होने से, तो आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे अगर कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह पड़ जाए, यहाँ पे जो सारे कनेक्टर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ मॉइस्चराइज़र या कुछ जंग लग जाए तब आप इसको ठीक कर सकते हो। उसके अलावा आप ये जो पिक्चर ट्यूब है इसको ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो कांच का पूरा बना हुआ है और इसका जो होल है जो कांच का किस तरह से बना हुआ रहता है उसके डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, ये रहा पिक्चर ट्यूब का फुल डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम की ये किस तरीके से काम करता है और इसका जो टोटल होल जो किस तरह से इसका बनाया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। जो पीछे का साइड था आपने देखा जो छोटा सा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर चुका हूँ, क्योंकि अगर आप बड़ा नहीं किया तो यहाँ पे जो डिफेक्टिंग कॉयल है और फोकसिंग कॉयल है ये आपको समझने में दिक्कत हो जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ साइड से बड़ा कर दिया हूँ। और आप जो देख रहे होंगे सामने से आपको पिक्चर दिखेगा, यहाँ से ये जो साइड है ये हमारा पिक्चर को देखने के लिए और जो हमारा रिफ्लेक्शन जो भी बनता है आपको इस तरह से दिखाई देता है, जो कि स्क्रीन बोला जाता है। और उससे पहले जहाँ से हमारा सिग्नल एंटर होती है, जो 7 से 10 यहाँ पे कनेक्टर दिया रहता है सिग्नल को अंदर के जाने के लिए, तो यहाँ पे अगर कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह पड़ जाते हैं तो उसको आप क्लीन करके ठीक कर सकते हो। उसके बाद जो अंदर हीटर का जो कॉइल है यहाँ पे देख सकते हो, किसी किसी टाइम क्या होता है कि हीटर के अंदर जलने लग जाता है, स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी पिक्चर ट्यूब के अंदर, तो उस पिक्चर ट्यूब के आप कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते, वो मैक्सिमम टाइम खराब मतलब वो रिपेयर नहीं होता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप रिपेयर करोगे तब आप जब यहाँ पे कनेक्टर लगा हो जो बेस होता है पिक्चर ट्यूब का बेस, उसको टेस्टिंग करने के बाद ही लगाए। अगर शॉर्ट हो जाए तो आपका पिक्चर ट्यूब भी शॉर्ट हो जाएंगे और आपका जो पिक्चर ट्यूब है ये खराब हो जाएगा। तो आपको कंट्रोल ग्रिड के बारे में पता चल गया होगा और हीटर के भी बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद जो रिफ्लेक्शन का जो पिक्चर बनती है पिक्चर ट्यूब के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी एक बीम लगा रहता है उस बीम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक बीम, क्योंकि जो हम सिग्नल भेजता हूँ मतलब भेजा जाता है पिक्चर ट्यूब के अंदर, वो सारे सिग्नल कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल बीम के अंदर से हमारा पिक्चर ट्यूब के अंदर आके स्क्रीन के जरिए हमें दिखाई देता है। और इन सारे चीज़ों को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मतलब ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम जो एक्स एंड वाई जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है उसको ठीक करने के लिए जो दो चीज़ किया जाता है, वो फोकसिंग कॉइल और डिफेक्टिंग कॉइल, जो कि ईयोक कॉइल के अंदर ही रहता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो फोकसिंग कॉइल का कनेक्शन कहाँ पे किया जाता है और डिफेक्टिंग कॉइल का कनेक्शन कहाँ पे किया जाता है और कौन सा कनेक्शन किस लिए है और हॉरिजॉन्टल किस लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा लिख के रखा हूँ। अगर ऑई का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टली मतलब अगर प्रॉब्लम आए कुछ भी तो आपको चेक करना होगा प्रॉब्लम वर्टिकली सेक्शन में। अगर वर्टिकल सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकली कोई प्रॉब्लम आए आपके स्क्रीन पे तो आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन में वो सारे प्रॉब्लम को ढूंढना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ पिक्चर ट्यूब के अंदर की डिफेक्टिंग कॉइल कहाँ पे है, फोकसिंग कॉइल कहाँ पे है, हीटर कहाँ पे है, कंट्रोल ग्रिड कहाँ पे है
और एक्शन ऑय को कंट्रोल करने के लिए जो सारी चीज़ें कहाँ पे दिया हुआ है आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो फोकसिंग कॉयल है वो फोकसिंग कॉयल आप देख सकते हो यहाँ पे दो जो चार यहाँ पे कनेक्शन किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली सेक्शन के लिए, वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन वो फोकसिंग कॉयल एंड डिफेक्टिंग कॉयल के लिए यूज़ किया जाता है। वो जो सारे कॉयल है इस कॉयल के अंदर ही कनेक्शन किया रहता है। सो गाइस आपको पता चल गया होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली सेक्शन का कनेक्शन यहाँ पे किया जाता है। जो लोग को नहीं पता है उन लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में बता सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये जो हमारा न्यू जो किट है अल्ट्रा स्लिम टीवी के लिए इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा।